गाइस व्हाट्सअप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या। और थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ करा, एक्चुअली जब मैं अपने ग्रेविटी सर्कल चैनल पे कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ या मुझे इंस्टाग्राम पे जब कुछ लोग डीएम करते हैं तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में, जेईई, नीट ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए कितने टाइम पढ़ें, मतलब हमें कितने आवर्स पर डे डिवोट करने चाहिए टू क्लियर सच एग्जाम्स। तो गाइज सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत है, इस क्वेश्चन को दिमाग से निकाल दो। इस क्वेश्चन का सीरियसली बता रहा हूं कोई भी वैलिड पॉइंट होता ही नहीं है। एक स्टूडेंट कितने आवर्स पढ़े उस पर कभी भी आपका परसेंटेज, आपकी रैंक, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस नहीं डिपेंड करता। प्लीज गाइज इस बात को समझने की कोशिश करो। उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। रीजन है हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर। एक टॉपर जिसको आप देखकर कोशिश कर रहे हो कि वो टॉपर तो यार दिन में 2 ही घंटे पढ़ता है पर फिर भी टॉप कर जाता है, और मैं 4 घंटे पढ़ता हूं लेकिन उसके बाद भी मेरा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आ पाता, तो क्या रीजन है? तो रीजन है कि वो जो पर्सन जिसको आप शायद देखकर ऐसा सोच रहे हो या ऐसा फील कर रहे हो, वो 2 घंटे जो पढ़ाई को डिवोट करता है वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ पूरे माइंड को पढ़ाई में लगाकर काम करता है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, शायद हम लोग वो 4 घंटे की पढ़ाई में हमारा मन 3 घंटे इधर उधर भटकता रहता है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो बनाने का मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको जो मैं ट्रिक यूज़ करता था या जो अभी भी मैं जो ट्रिक यूज़ करता हूँ वो शायद आप लोगों को भी मदद कर जाए। तो चलो बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन पावर। सबसे पहला पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है आप जो काम कर रहे हो उस काम को करने के लिए आपका माइंड कितना परसेंटेज उस चीज में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, अभी मेरा पूरा फोकस इस चीज पर है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। तो अभी जो मेरा माइंड है वो सिर्फ इन चीजों के बारे में सोच रहा है कि मेरे बच्चों तक जो चीज मैंने मन में सोची है या जो चीज मैं करता हूं वो आप तक 100% डिलीवर हो। तो अभी मेरे मन में और कोई चीज नहीं चल रही कि मेरे घर में क्या खाना बन रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, YouTube पे कोई नया वीडियो तो नहीं आया, Instagram पर मेरे फोटो को कितने लाइक्स आए, मेरे YouTube पे कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े, अभी मेरा फोकस इन चीजों पे है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मेरा आपसे बातचीत करने का पर्पस है। तो अभी मेरा कॉन्सेंट्रेशन इसमें 100% है। तो क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, आप इमेजिन करो आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है। आप पढ़ने बैठे, आप 10-15 मिनट पढ़ते होगे, तुरंत आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन बजता है, टिंग डिंग, व्हाट्सएप मैसेज, एक नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब पर, आपने जिसको सब्सक्राइब किया उसका नया वीडियो आ गया, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है, स्नैपचैट का नोटिफिकेशन आता है, FB मैसेंजर का नोटिफिकेशन आता है। तो एक्चुअली गाइज हमारे साथ में क्या होता है, हमें डाइवर्ट करने वाले, हमें हमारे पढ़ाई के रास्ते से डिविएट करने का जो सबसे बड़ा आज के तारीख में जो हर्डल है वो है आपके मोबाइल्स। हमारा जो स्मार्टफोन है एक्चुअली एक ऐसी पावर हो गया है, एक ऐसा बॉम्ब है जिसको, एक ऐसी पावर है जिसको अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हो तब तो आप रोड से उठ के राजा बन जाओगे। लेकिन अगर आपने इसका गलत यूज़ करा, अगर आपने इसका मिसयूज़ करा तो अगर आप अभी राजा हो तो आप वापस रोड पर आ जाओगे। तो यहाँ पर यार सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि हमें हमारे मोबाइल के एडिक्शन को कम करना होगा। आपको पता है अभी 1 हफ्ते पहले मैंने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। गाइस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको शेयर कर देता हूं लेकिन लिंक वगैरह कुछ नहीं दूंगा वरना बच्चे बोलेंगे पेड है। योर आवर्स, योर YOUR, इस एप्लीकेशन को अभी मैंने कुछ टाइम पहले डाउनलोड किया। इस एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, ये आपके अलग अलग एप्लीकेशन पर आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका एक टाइमर चलाता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने व्हाट्सएप खोला तो व्हाट्सएप पर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, वो एक छोटा सा टाइमर स्क्रीन पर चलता रहेगा। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि रात के 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे और फिर रात के 12 बजे यानी 24 घंटों में आप लोगों ने व्हाट्सएप कितने आवर्स यूज़ किया। मैं
घबरा गया इस चीज को देखकर कि मैं दिन भर में YouTube, इंस्टा, व्हाट्सएप और मेरा YouTube स्टूडियो और थोड़ा बहुत FB ये मिलाकर मैं दिन के तकरीबन 2.5 से 3 घंटे उसके ऊपर मैं वेस्ट कर देता हूँ और मुझे मालूम भी नहीं पड़ता है। मुझे लगता है यार थोड़ी देर के लिए तो इंस्टाग्राम चलाया, लेकिन कब वो थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ऐसा एप्लीकेशन, यही वाला नहीं, आप कोई और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ऐसा होना चाहिए जो आपको बताए कि अलग अलग ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप लोगों ने कितने आवर डिवोट किए। तो इससे आपको खुद को एक इंट्रोस्पेक्शन होगा कि नहीं यार मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाई की जगह इन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। क्या बात समझ में आ गई ना? दूसरी चीज़, अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस कोरोना के कंडीशन में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मोबाइल के बिना पढ़ाई पॉसिबल है, हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है, आपको मेरे यूट्यूब पर वीडियोस देखने होते हैं। तो सर उस समय क्या करें? तो सबसे पहली चीज़, उस समय भाई आप लोगों के पास स्मार्टफोन है, अब आप क्या कर सकते हैं, जब आप यूट्यूब पर मेरे वीडियोस से पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई कर रहे हो, आप इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और जितने भी आपके जो आप स्नैपचैट, ट्विटर वगैरह अगर यूज़ कर रहे हो, FB यूज़ कर रहे हो, इनके नोटिफिकेशन बंद कर दो। वो जो स्क्रीन पर जो ऊपर जो स्क्रॉल करके जो नोटिफिकेशन आते हैं, ईमेल्स वगैरह, सब बंद कर दो। इससे क्या होगा, जब आपको कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो आपका ध्यान डाइवर्ट होने से बच जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, अगर मोबाइल को पॉजिटिवली यूज़ करना है, अगर ऑनलाइन पढ़ने के लिए यूज़ करना है, तो सारे नोटिफिकेशन पढ़ते वक्त बंद हो जाने चाहिए। दिन में सिर्फ कुछ ही आवर्स के लिए आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह चलाओ, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तब आपके ये सारे नोटिफिकेशंस बंद हो जाने चाहिए। अब अगर आपने सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए और अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करने के लिए। जी हाँ, अगर अभी तक आप लोगों को कहता है कि मोबाइल से पढ़ाई पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा मोबाइल एक बेस्ट सॉल्यूशन है कॉन्सेंट्रेशन को ठीक करने का। कैसे, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं एक्चुअली TV चला के पढ़ता था, मतलब सामने TV चलती रहनी चाहिए, मुझे TV की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए और मैं साथ साथ पढ़ता था। और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि कुछ लोग TV देखते हुए पढ़ते हैं और कुछ लोग पीछे बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूज़िक चला कर पढ़ते हैं। एक्चुअली इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आपने सब जगह सब कुछ बंद कर दिया, बस एक मोबाइल है, आप एक कमरे में बैठे हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी क्या होगा, अभी आपका मन 50 जगह पर भटकेगा। इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा होगा, FB पर क्या हो रहा होगा, TV पर क्या आ रहा होगा, मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, मम्मी क्या कर रही है, ये क्या कर रहे हैं, भाई क्या कर रहा है, कोरोना कब खत्म होगा, चाइना इंडिया पर कब अटैक करेगा, कब क्या होगा, मास्टर स्ट्रोक कब लगेगा, मतलब बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चलेगी, एग्जाम कब होगी, ये कब होगा, वो कब होगा। अभी आपके माइंड में 50 तरीके के थॉट्स चलेंगे पढ़ाई के साथ साथ, और यही तो प्रॉब्लम है, हमारा मन भटकता रहता है, हमारा जो मन है, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भटकता रहता है। पढ़ाई कर रहे हैं, 4 लाइन पढ़ी, 10 लाइन पढ़ी, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मेरा भाई क्या कर रहा होगा यार, दोस्त क्या कर रहा होगा यार, वो क्या हो रहा होगा यार, एग्जाम में क्या करेंगे, ऐसे करते करते आपका माइंड भटक जाता है। तो अभी क्या करो, बैकग्राउंड में एक म्यूजिक लगा लो, बैकग्राउंड में एक म्यूजिक लगा लो, कब, जब आप कोई ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हो, जैसे अभी आप YouTube पे फॉर एग्जाम्पल मेरे वीडियोस से पढ़ रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस से आप पढ़ चुके हो, आपने नोट्स बना लिए हैं, आपने बुक सामने रखी है और अब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो मोबाइल के सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दो, मोबाइल में एक बिल्कुल सॉफ्ट सा, एकदम सॉफ्ट सा म्यूजिक, बहुत ज़्यादा वो रैप वाला या शोर शराबे वाला नहीं, बिल्कुल सूदिंग सा, कोई सा एकदम हल्का सा रोमांटिक सा गाना लगा लो और आपके पीछे बैकग्राउंड में बजना चाहिए। तो अब क्या होगा, आपका माइंड उन सब बातों को छोड़कर उस म्यूजिक पर चला जाएगा। नाउ इट इज बेटर कि मेरा दिमाग एक समय में 50 चीजों के बारे में सोचे, उससे तो बेटर है कि मेरा मन एक समय पर सिर्फ एक गाने पर लग जाए। तो अब क्या होगा, अब जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो पढ़ते पढ़ते मेरा जो दिमाग है वो या तो म्यूजिक पर रहेगा या तो पढ़ाई पर रहेगा। तो अभी मेरा माइंड एक्चुअली 2 जगह पर है, म्यूजिक, पढ़ाई, म्यूजिक, पढ़ाई। लेकिन अगर म्यूजिक नहीं होगा तो पढ़ाई तो किसको पसंद है, पढ़ाई के साथ साथ फिर दिमाग 50 जगह डिविएट हो जाएगा। तो या तो आप मेरे जैसे टीवी देखकर पढ़ लो, मैं टीवी चला ले रहा था बिल्कुल हल्के म्यूजिक पे, मतलब टीवी पे बिल्कुल बिल्कुल लो वॉल्यूम पर कोई पिक्चर चल रही होती है, कोई सी भी हल्की फुल्की साउथ की मूवी लगा लो, मार ढिशुम वाली
या कोई सी अपनी कॉमेडी मूवी लगा लो, और नहीं तो बहुत सारे म्यूजिक चैनल है, म्यूजिक चैनल बिल्कुल हल्के वॉल्यूम पर चलने दो और आप पढ़ने बैठो, तो आप देखोगे कि अब आपका ध्यान या तो टीवी पर है या तो पढ़ाई पर है, या तो टीवी पर है या तो पढ़ाई पर है। वो लोग जो आपको कहते हैं कि सब बंद कर दो और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, हो ही नहीं सकता यार। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो हम वो साधु महाराज हो जाएंगे, हवा में उड़ने लगेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इट इज बेटर कि दिमाग 10 जगह दौड़ाने की जगह 2 जगह दौड़ा लो। तो जब आपका माइंड एक समय पर 10 काम कर रहा होगा तो पढ़ाई आपके माइंड में कितनी जाएगी, 10%, समझ रहे हो? आपका माइंड एक समय पर 10 चीजें सोचेगा और उन 10 चीजों में से एक चीज पढ़ाई है, तो आपके माइंड में पढ़ाई 10% ही घुसेगी। लेकिन अगर आपने आपका माइंड, दिमाग, आपने आपका कंसंट्रेशन टीवी पर या म्यूजिक पर और पढ़ाई पर लगा लिया, तो अब आपका माइंड 2 जगह पर है, तो अब पढ़ाई 10% या 50% घुसेगी। 50% पढ़ाई मतलब मजा आ गया, क्या बात समझ में आ रही है? और अगर पढ़ाई करते करते मन लग गया तो फिर वो रेशो 50-50 की जगह 80-20 का हो जाएगा। आप 20% गाना सुनोगे सबकॉन्शियस माइंड से और पढ़ाई 80% माइंड में जाएगी। तो ऐसे समय पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, आपने कहा सर कि मोबाइल बेस्ट हथियार है पढ़ाई करने का। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अब क्या हुआ, अब टीवी और म्यूजिक हट गया और सामने ऑनलाइन यूट्यूब पर आप पढ़ रहे हो, तब आपका पूरा फोकस जो उस पर्सन पर है जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, आप उसकी बात सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप साथ साथ लिख रहे हो, तो यहां तो आपका पूरा 100% माइंड किस पर चला गया, पढ़ाई पर। यहां तो आपका माइंड इधर उधर गया ही नहीं। पहले तो हम म्यूजिक लगाकर पढ़ते थे तो 50-50 का रेशो होता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो यूट्यूब है, मोबाइल है और आपको मोबाइल का एडिक्शन भी है, तो आप मोबाइल में देख रहे हो, मोबाइल में पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, साथ साथ नोट्स बना रहे हो, बुक भी देख रहे हो, तो अब तो आप 100% अपने माइंड को पढ़ाई पर आपने डिविएट कर लिया है। तो गाइज, मैं इस बात को मानूंगा, मैं इस बात को कहूंगा कि मोबाइल का करेक्ट इस्तेमाल आप लोगों को टॉपर बना सकता है, आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकता है, लेकिन सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके नोटिफिकेशन को एटलीस्ट पढ़ाई करते वक्त बंद कर दो। और दूसरा, वो एप्लीकेशन, इस तरीके की एप्लीकेशन जरूर अपने मोबाइल में रखो जो आपको दिन भर का एनालिसिस करके दे कि आपने एक दिन में कितना टाइम, कितना फालतू टाइम आपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, टिकटॉक जैसे उटपटांग ऐप्स पर आपने कितना टाइम वेस्ट किया। और आप इस चीज़ का भी एनालिसिस करो कि आपने यूट्यूब पर कितना टाइम वेस्ट किया और कितना टाइम प्रॉपरली यूज़ किया। प्रॉपरली यूज़ किया यानी पढ़ाई के लिए यूज़ किया, और वेस्ट यानी कि उटपटांग वीडियोज़ देखने में, कोई एंटरटेनमेंट देखने के लिए किया। तो गाइज, इन 2 चीज़ों का जो मैंने आपको बताया, पहला या तो बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा लो या सामने टीवी लगा लो, और दूसरा, जब आप सेल्फ स्टडी ना कर रहे हो, आपको ऑनलाइन पढ़ना हो, तो आप यूट्यूब लगा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट, बढ़िया, उस पर शानदार वीडियोस अवेलेबल होते हैं, उसको सामने देखो और उसको सामने रख के पढ़ाई करो, और उस समय मोबाइल के सारे सारे जो नोटिफिकेशन है वो बंद कर दो। दिन में टाइम डिसाइड कर लो कि दिन में 1 घंटे या 2 घंटे अपन इन चीज़ों को देंगे, स्नैपचैट वगैरह को, फेसबुक वगैरह को देंगे, इंस्टा को देंगे, बाकी सारा टाइम ये नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल में बंद रहेंगे। तो आई होप ये बात जो मैं करता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली, मुझे टॉप करने का मौका मिला, मैंने अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करा, तो अगर ये चीज़ आप कर रहे हो तो आप लोग एक तो मोबाइल के एडिक्शन से खुद को बचाओगे, एक आपको इवैल्यूएशन मिलता रहेगा कि नहीं यार मैं मोबाइल पर बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और दूसरा आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। तो गाइज, आई होप इतना आप लोग करोगे, आज की बात होपफुली आपको समझ में आई होगी, और मुझे बताओ कि ये जो मेरी वाली ट्रिक है ये आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में मदद करी या नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट। मोबाइल एडिक्शन को और कंसंट्रेशन को, दोनों चीज़ों पर हम वर्क करेंगे, मोबाइल एडिक्शन कम करेंगे और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइज़।